मैकेनिक भाइयों, यह है TVS एंटॉर्क 125 BS6 FI, और आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को बताने वाले हैं कि इसका इंजन कैसे फिटिंग किया जाता है। आप सभी मैकेनिक भाइयों को अच्छी तरह से पता होगा कि इसका पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं कि कैसे इसके क्रैंक केस को फिट किया जाता है, कैसे इसके गियर बॉक्स को फिट किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको पार्ट थ्री के अंदर इसके हेड ब्लॉक और इसके टाइमिंग चेन, ऑयल पंप, ये सारी चीज़ों की फिटमेंट कैसे करनी है उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और पार्ट थ्री में आपको बताते हैं कि कैसे कैसे इसके रिंग पिस्टन को फिट किया जाएगा, टाइमिंग कैसे लेंगे, ब्लॉक कैसे असेंबल करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूं मैं। ये देखें, ये टाइमिंग चेन है, ये अंदर इस टीथ के जस्ट अपोजिट अंदर एक टीथ बनी हुई है, उसके अंदर जाएगा, ये टीथ पे नहीं, क्योंकि ये जो टीथ है बड़ा वाला, ये इसके ऑयल पंप से अटैच होता है, नीचे ऑयल पंप से ऑयल का फ्लो बनाने के लिए। ये देखें मैंने लगा दिया, परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब इसके कवर को ऐड करने से पहले हेड और ब्लॉक को लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय क्या होता है कि ये कैप जब हम ऊपर का लगा देते हैं इस कैप को, तो टाइमिंग चेन अंदर से उतर जाता है और उससे फिर प्रॉब्लम होगा आपको। टाइमिंग चेन ऐड करने के बाद हेड और ब्लॉक की फिटमेंट करना एकदम ज़रूरी है। अब इसके ऊपर हम गैस्केट ऐड करेंगे। याद रखें, इस सरफेस के ऊपर हरगिज़ रेजी बॉन्ड का उपयोग ना करें, क्योंकि यहाँ से अगर इस जगह पे देखें तो यहाँ से ऑयल का फ्लो बनता है, और यहीं पे गलती करते हैं हमारे मैकेनिक भाई, गैस्केट के ऊपर रेजी बॉन्ड का अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑयल का फ्लो पूरी तरह से रुक जाता है। तो इस सरफेस पे सिर्फ ग्रीस का उपयोग करेंगे, ना कि रेजी बॉन्ड का। रेजी बॉन्ड का हरगिज़ उपयोग नहीं करेंगे, ताकि इसका फ्लो जो है वो परफेक्ट बना रहे। ये देखें, इसके अंदर मैंने गैस्केट जो है परफेक्ट तरीके से ऐड कर दिया है। अब पिस्टन रिंग लगाएंगे और डायरेक्ट इसके अंदर ब्लॉक ऐड करेंगे। अभी इसके रिंग पिस्टन को फिटिंग करेंगे। यह इसका पिस्टन है, ये जो एरो का मार्क बना हुआ इसके एग्जॉस्ट साइड जाएगा। थ्री वाल्व का पिस्टन है, यहाँ पे एक इसका एग्जॉस्ट वाल्व है और दो इसके इनटेक वाल्व है। अब कंपनी रिकमेंडेड, क्योंकि आपको पता होगा इसको मैंने ओपन किया सिर्फ साउंड को लेकर, स्मोक का प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल भी हमारी गाड़ी जो है नहीं निकाल रही। तो अभी इसके अंदर जो फिटमेंट है कंपनी रिकमेंडेड, देखें टॉप वन का जो रिंग है कंपनी रिकमेंडेड, कोई छेड़छाड़ नहीं, कंपनी रिकमेंडेड जो बताया गया टॉप वन का रिंग है वो एक इस कट के पास रखेंगे, इसके इंटेक साइड के वाल्व के पास, और टॉप टू का जो रिंग है वो इसके इस रिंग के पास रखेंगे, यानी ये जो है इस जगह पर एक और एक इस जगह पर, दोनों रिंग हो गया। अब इसका जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है, यहाँ पे अगर देखें तो एक छोटा सा कट है और एम सा बना हुआ है इसके बीचों बीच, देखें ये देखें एम सा बना हुआ है और एक छोटा सा कट है ऑयल एक्सपेंडर रिंग के अंदर। अब ऑयल एक्सपेंडर जो अपर रिंग है वो इस जगह पे देखें, ऑयल एक्सपेंडर लोअर और इसके अपोजिट साइड ऑयल एक्सपेंडर अपर। आप समझ लें किस साइड है, ऑयल एक्सपेंडर अपर यहाँ है तो अपोजिट साइड लोअर है, यहाँ पर ऑयल एक्सपेंडर है, ये इसका टॉप वन और ये इसका टॉप टू। आप इसके साइज को समझ लें, टॉप वन, टॉप टू, लोअर, अपर और यहाँ पे ऑयल एक्सपेंडर रिंग। तो ये है रिंग फिटमेंट का परफेक्ट तरीका, और एक एक एंगल से फिटमेंट का वीडियो चाहिए तो वो मैंने बना रखा है, मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। चलिए इसे मैं लगाता हूँ, और इसके ब्लॉक के ऊपर भी हम रेजी बॉन्ड का अप्लाई नहीं करेंगे। इसके हेड के ये डॉयल है, इसे डालना एकदम ज़रूरी है, वरना ब्लॉक के अंदर फ्री प्ले आ जाएगा और ऑयल लीकेज की समस्या बढ़ जाएगी। तो दो होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, इसे ऐड करेंगे और उसके बाद ब्लॉक ऐड करेंगे। ब्लॉक लगाते समय इसका जो ये सरफेस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर भी हम रेजी बॉन्ड का अप्लाई नहीं करेंगे। ज़्यादातर कोशिश करें कि एकदम ग्रीस से ही उपयोग करके काम चलाएँ, रेजी बॉन्ड का उपयोग करेंगे हमेशा आपको परेशानी ही होगी।
रेट। देखो ब्लॉक ऐड करने के बाद इस तरह से चार नट होता है जो इसके दो ब्लॉक असेंबली में और दो हेड में जाता है। बट याद रखें इसे फुल्ली टाइट नहीं करेंगे वरना ऑयल लीकेज के चांसेस बढ़ जाएगा। पहले स्टेक के सारे बोल्ट टाइट करेंगे फिर जाके इसे टाइट करेंगे ताकि लीकेज की कोई समस्या ना हो। बट फंसा लें पहले थोड़ा थोड़ा, फिर आगे का काम आप चालू करें। ब्लॉक को ऐड करने के बाद इसके ऊपर टाइमिंग टेंशनर ऐड करेंगे और साथ ही इसके ब्लॉक में थोड़ा सा रेजी बॉन्ड का भी अप्लाई करेंगे। ब्लॉक में रेजी बॉन्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि कंप्रेसर लीकेज का कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, काफ़ी समय यहाँ से कंप्रेसर लीक कर जाता है। अब चलिए इसके हेड के सारे नट को टाइट कर लेते हैं, वॉशर को टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान ये रखें कि कहीं पे इसके तांबे का वॉशर है और कहीं पे स्टील का वॉशर है, तो जहाँ से ऑयल का फ्लो हो वहाँ पे आप तांबे का वॉशर ऐड करें और बाकी जगहों पे आप स्टील का वॉशर ऐड करें। और पहले आप हाथ से सारे नट को धीरे धीरे जो है फंसा लेंगे, उसके बाद ही इसके के बोल्ट को हम टाइट करेंगे। तो चलिए इसको मैंने पूरी तरह से फंसा लिया है, अब इसको जल्दी जल्दी से टाइट कर लेते हैं फिर आपको टाइमिंग के बारे में बताते हैं। हेड के सारे बोल्ट को टाइट करने के बाद इसके साइड के ब्लॉक और इसके हेड के साइड के बोल्ट को नट को टाइट करेंगे ताकि लीकेज की समस्या बनी जो रहती है उसका सल्यूशन मिल सके। पहले स्टेक के बोल्ट टाइट ना करके अगर साइड के बोल्ट को टाइट करेंगे तो एक साइड इसका ब्लॉक टाइट हो जाएगा जिससे इसके राइट हैंड साइड से लीकेज की समस्या बन जाएगी। तो जब भी हम लोग टाइट करते हैं तो पहले हेड का बोल्ट टाइट करते हैं फिर इसके ब्लॉक असेंबली का बोल्ट टाइट करते हैं, और अच्छे से हल्के हाथों से टाइट करें क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी जो है अल्मोनियम सील से बनी हुई है तो टूटने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं इसे पूरी तरह से जल्दी से टाइट कर लेता हूँ क्योंकि अभी टाइमिंग का, ऑयल पम्प का मेन कनेक्शन वहाँ से होता है ऑयल पम्प का, और टाइमिंग कैसे लेना है वो बताना ज़रूरी है। तो चलिए फटाक से मैं इसे टाइट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, और इसके टाइमिंग चेन गाइड को और इसके टाइमिंग को हम बताते हैं। तो अभी सारी चीज़ों को टाइट कर दिए हैं, अब इसके टाइमिंग गाइड को लगा रहे हैं। यहाँ पे एक 13 नंबर का बोल्ट है और एक वॉशर के साथ ऐड करेंगे और इसे पूरी तरह से फुल्ली टाइट कर देंगे क्योंकि जब भी इसे टाइट करेंगे तो इसके फ्री प्ले को भी चेक करना पड़ेगा ताकि काफ़ी समय ये जाम हो जाता है और गाड़ी के अंदर टाइमिंग चेन से साई साई की साउंड आता रहता है। तो टाइट करते समय इसे ज़रूर से ज़रूर फ्री प्ले चेक कर लेंगे। अब इसके टाइमिंग चेन के कैम शाफ्ट के अंदर टाइमिंग गरारी फिट कर रहे हैं, उससे पहले आपको एक छोटा सा डॉयल ऐड करना है फिर इसके अंदर टाइमिंग गरारी ऐड करना है। टाइमिंग के इस स्पोकेट को ऐड करते समय आप इसके टाइमिंग को अच्छे से ध्यान में रखें क्योंकि आपको पता होगा 3 वाल्व का इंजन है, काफ़ी छोटा छोटा इसके अंदर जो है वाल्व लगा होता है। थोड़ा सा अगर टाइमिंग आपने मिसमैच किया तो फिर आपकी गाड़ी के वाल्व जो है पूरी तरह से बेंड हो जाएगा। तो टाइमिंग आप देख लें मैं किस तरह से टाइमिंग ले रहा हूँ, ऊपर नीचे जो एरो का निशान है वो मैं एक साथ रख रहा हूँ और साथ ही साथ एक जो यहाँ पे एक डॉट सा बना हुआ इसे मैं ऊपर की ओर रख रहा हूँ। अब इसके ऊपर मैं प्लेट ऐड करूँगा ताकि ये जो डॉट है वो निकले ना बाहर, वो जो लॉक होता है काफ़ी समय बाहर निकल जाता है, अब वो बाहर ना निकले इसलिए प्लेट ऐड करके ही बोल्ट टाइट करेंगे ताकि वो परफेक्टली फिक्स हो जाए। तो चलिए मैं इसे पूरी तरह से फुल्ली टाइट करता हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से टाइट करना चाहिए ताकि खुले ना। इसे टाइट करने के बाद मैं अच्छे से लॉक करूँगा।
हेड के सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद ऑयल पंप की फिटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी गलती की तो फिर आपका हेड में ऑयल नहीं जाएगा और उसके वजह से फिर से आपको इंजन ओपन करना पड़ सकता है। तो देखें, एक छोटा सा पिन है जिसके अंदर आप ग्रीस का उपयोग करेंगे ताकि वो पिन नीचे इंजन के क्रैंक केस में ना चला जाए। अब उसके उस टाइमिंग से यहाँ पे जो ऑयल पंप की गरारी है उसकी टाइमिंग लेनी होती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर टाइमिंग परफेक्ट नहीं मिला तो फिर आपकी गाड़ी का ऑयल पंप काम नहीं करेगा, उसके लेकर पूरी तरह से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो टाइमिंग लें, टाइमिंग लेने के बाद वॉशर ऐड करें, वॉशर ऐड करने के बाद ऊपर से एक लॉक ऐड करें ताकि ऑयल पंप हमारा बाहर ना निकले। अब ये सारा प्रोसीजर करने के बाद जो है अच्छे से लॉक को फिट करेंगे और उसके बाद इसके कंप्लीट राउंड करके ये चेक करेंगे कि हमारा ऑयल पंप परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि काफ़ी समय क्या होता है कि लॉक तो लगा देते हैं, लॉक लगाने के बाद मेन जो समस्या उत्पन्न ये हो जाती है कि इसके अंदर हेड के अंदर ऑयल का ट्रांसफ़र नहीं होता। तो पहले घुमाएं और घुमाने के बाद ये देखें कि नीचे से ऑयल पंप की गरारी घूम रही कि नहीं। ऑयल पंप की गरारी अगर घूम रही तो समझिए सारी चीज़ें परफेक्ट है। फिर आप इसके अंदर गैस्केट का उपयोग करेंगे ताकि लीकेज की कोई ऐसी समस्या ना हो। गैस के अंदर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रेजी बोन यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, मैंने खुद किया है, क्योंकि इस साइड से अगर लीकेज हुआ तो पूरा क्लच भीग जाएगा ऑयल से, और अगर क्लच भीग गया तो फिर हमारी गाड़ी के अंदर पिकअप की समस्या होगी, पिकअप नहीं बन पाएगा। रेजी बोन इसलिए मैं यहाँ पे वो यूज करता हूँ, ऑयल सील मैंने ऑलरेडी इसका नया ऐड कर दिया है और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये देखिए, इसके अंदर जितने सारे बोल्ट आपको दिख रहे हैं उसमें से किसी में वॉशर नहीं है, सिर्फ एक बोल्ट के ऊपर वॉशर है। वो इसलिए क्योंकि ये बोल्ट जब हम टाइट करते हैं तो टाइमिंग चेन से टच ना हो, इसलिए इस बोल्ट के अंदर वॉशर दिया होता है और वहाँ पे ऊपर इस बोल्ट को डालना रहता है ताकि जब हम इसे टाइट करेंगे तो टाइमिंग चेन से टच ना हो। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, सिर्फ एक बोल्ट में हमारा जो है सिर्फ वॉशर है, बाकी सारे बोल्ट में वॉशर नहीं है। तो अभी इन सारी चीज़ों को मैं टाइट करता हूँ और टाइट करने के बाद फिर हम इसके आगे के प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे और इसके आगे हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे वो बोल्ट जाके टच होता है। इसके इस साइड के सारे बोल्ट को मैंने टाइट कर दिया है। इस वाले जगह पे अगर देखें तो यहाँ पे टाइमिंग चेन के पास आके बोल्ट टाइट हो जाता है, टच हो जाता है, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखें। टाइफिट का जो फ्री प्ले रहेगा 0.08 mm और 0.12 mm का इंटेक और एग्जॉस्ट साइड रहेगा। अब इसके अंदर हम इसके जो कैप है, हेड के कैप, इसे फिटिंग करते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो ज़रूर से ज़रूर रेजी बॉन्ड का उपयोग करें, मैं यहाँ पे रेजी बॉन्ड का हमेशा उपयोग करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर का जो शिकायत होता है कि हेड के सरफेस से लीकेज की समस्या है, तो उस समस्या से बचने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर रेजी बॉन्ड का अप्लाई करें। वैसे भी फ्यूल का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि लीकेज होना ही है, तो ज़रूर से ज़रूर आप इसके ऊपर रेजी बॉन्ड का अप्लाई करें। चलिए सारे बोल्ट को मैं टाइट करता हूँ। इंजन के सारे चीज़ों को मैं फिट करके पूरी तरह से रेडी कर चुका हूँ। इसका सारा हेड का कैप, इसका थर्मल सेंसर, इसका ऑक्सीजन सेंसर और साथ ही साथ इसके वन वे क्लच की जो है पार्ट फोर में फिटमेंट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट फोर लेकर बहुत जल्द से जल्द। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक को शेयर कर दीजिए।